मालवा का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जिला गुना ग्वालियर संभाग में आता है। गुना प्राचीन काल में आवंती राज्य का हिस्सा था, जिसकी स्थापना चंद्रप्रद्योत महासेना ने की थी। 18वीं शताब्दी में ये मराठा सेनापति रामोजी राव सिंधिया के अधिपत्य में था। 1895 से पूर्व अहिरवाड़ा और राजधानी ईसागढ़ में ही गुना एक छोटा सा गांव था। वर्ष 1937 में ईसागढ़ के स्थान पर जिले का नाम गुना कर दिया गया। ईसागढ़ और बजरंगगढ़ को तहसील बनाया गया। इन तहसीलों को बाद में अशोकनगर गुना तहसील के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में गठित मध्य प्रदेश भारत के 16 जिलों में से एक गुना भी था। राधोगढ़ को वर्ष 1948 में तहसील बनाया गया। ये जिला समुद्र तल से लगभग 476 मीटर ऊंचाई पर बसा है। नवीन मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में गुना मध्य प्रदेश का जिला बना। वर्ष 2003 में गुना जिले से अलग करके अशोकनगर को नया जिला बनाया गया। फैक्ट की बात तो ये भी है कि 2011 के हिसाब से यहाँ की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 12,41,519 है। वहीं अगर पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो शिवपुरी, अशोकनगर, राजगढ़ और भोपाल शामिल। अगर राज्यों के साथ सीमा की साझेदारी की बात की जाए तो राजस्थान का झालावाड़ और बारा जिला शामिल। और वहीं यहाँ की तहसील की बात की जाए तो गुना, बमोरी, चचौड़ा, कुंभराज, राधोगढ़, अरोन और मकसूदगढ़ हैं। बात की जाए यहाँ के क्षेत्रफल की तो 6,390 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 21वां जिला है गुना जिला। गुना जिले के पूर्व में अशोकनगर जिला, उत्तर पूर्व में शिवपुरी जिला, दक्षिण में राजगढ़ एवं भोपाल तथा पश्चिम में राजस्थान राज्य शामिल है। मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि ज्वालामुखी के लावे से निकलने के कारण जमा हुई थी और इसका रंग इसी वजह से काला। यहाँ मुख्यतः दो नदियाँ बहती हैं, जिनमें पार्वती और सिंध शामिल। सिंचाई परियोजना की बात की जाए तो पार्वती के किनारे कुंभराज और आरोन तथा सुठालिया परियोजना के नाम से बांध प्रस्तावित हैं। यहाँ अगर खनिज संपदा की बात की जाए तो डायस्पोर बड़ी मात्रा में मिलता है और प्रमुख जनजाति की बात की जाए तो सहरिया जनजाति बड़ी मात्रा में निवास करती है। अब पर्यटन स्थल की बात की जाए तो बजरंगगढ़ का किला, राधोगढ़ का किला, गोपी, कृष्णसागर डैम शामिल हैं। डियर व्यूअर्स, ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय, टेक केयर।